फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों 10 रूल्स टू विन ग्रैंड लीग, 10 ऐसे नियम है जो आपको मेगा ग्रैंड लीग जिता सकती है। दोस्तों अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग को टारगेट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि क्या ऐसे रूल्स हैं जिसे हम लोग अपने माइंड में लेके चलेंगे। टीम बनाने से पहले ये सारी बातें आपको जानकारी होगी तो आप क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई बोलता है कि 80% और 20%, इन दोनों का रेशियो, कोई कहता है कि 80% आपको नॉलेज होना चाहिए क्रिकेट का, कोई कहता है कि 20% से ही आप जीत जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 20% आपका फेवर करेगा लक और 80% आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इस मैच का। तो मैच का जो टीम का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या क्या चीजें हम लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए, अगर आप जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है उस ग्राउंड की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है ग्राउंड का साइज क्या है, सेकेंड में पिच रिपोर्ट क्या है, प्लेयर्स का स्टेट जो करंट फॉर्म में चल रहे हैं प्लेयर्स लास्ट 5 मैच में वो भी हमें देखना है, प्लेयर सिलेक्शन यानी कौन किनका कौन सा प्लेयर्स होगा, जो 11 प्लेयर्स में से किन प्लेयर्स को हम लोग सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर नॉलेज की बात करेंगे, फिर बात करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज की। दोस्तों यहाँ से टीम कॉम्बिनेशन, जो हम लोगों ने टीम बनाता है वो टीम का कॉम्बिनेशन की विकेट कीपर सेक्शन में कितने के रखेंगे, बैट्समैन सेक्शन में क्या रखेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में क्या होगा और बॉलर सेक्शन में क्या होगा। फिर बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग जो मैच लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ओडीआई का बना रहे हैं या T10 मैच का बना रहे हैं या फिर T20 फॉर्मेट के लिए हम लोग टीम बना रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। क्योंकि अगर आप ओडीआई मैच में अगर टीम बना रहे हो तो उसका टीम का कॉम्बिनेशन अलग होता है, T20 फॉर्मेट में अगर आप टीम बना रहे हो तो उसका भी कॉम्बिनेशन अलग होगा, T10 में भी अगर बना रहे हो तो वो भी कॉम्बिनेशन आपको अलग देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों रिस्की प्लेयर्स, आपने देखा होगा जितने भी लोग मेगा ग्रैंड लीग को विन किया है, मैंने आज 4 से 5 साल से उनका एनालिसिस किया है, जो मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 आता है जिनका, उनका टीम का कॉम्बिनेशन में 11 प्लेयर्स में से 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम होता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि वही प्लेयर्स होते हैं रिस्की प्लेयर्स, तो हम लोग ऐसे भी प्लेयर्स को देखेंगे कि रिस्की प्लेयर्स कौन होता है, क्या होता है रिस्की प्लेयर्स। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों ग्राउंड साइज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ग्राउंड कहने का मतलब यह दोस्तों, यहां पर 2-3 तरह के ग्राउंड होते हैं, एक होते हैं लार्ज, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं स्मॉल। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों जो लार्ज ग्राउंड होता है, लार्ज ग्राउंड में आपको बॉलर फेवर माना जाता है, मीडियम में आपको एडवांटेज सेम है, दोनों को फेवर्स मानते हैं यहां पर, और स्मॉल ग्राउंड में दोस्तों जितने भी मैचेस आपने देखा होगा स्मॉल ग्राउंड में आपको यहां पर बैट्समैन को फेवर मानते हैं हम लोग। जैसे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है तो वहां पर जितने भी मैचेस होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, रीजन है कि वो स्मॉल ग्राउंड है दोस्तों, वहां पर क्या होता है बैट्समैन को ज्यादा फेवर मिलता है बैटिंग करने में। तो हम लोग ये सब सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि टीम लगाने से पहले ये सारी बातों की जानकारी आपके माइंड में चलनी चाहिए, जब भी आपका टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ये सारी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो ये तो था दोस्तों लार्ज ग्राउंड का। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर बैट्समैन यहाँ पर हिट करने जाता है तो यहाँ पर वो विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कैच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर दोस्तों बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को फेवर मिलता है, और यहाँ पर जो बैट्समैन फेवर है दोस्तों, ये स्मॉल ग्राउंड जो अक्सर देखा गया है अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं स्मॉल ग्राउंड में बैट्समैन को ज्यादा फेवर हुआ है। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा ग्राउंड का। अब हम लोग बात करेंगे पिच रिपोर्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आप टीम लगा रहे हो मेगा ग्रैंड लीग में तो आपको पिच का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। पिच रिपोर्ट क्या होती है, जैसे दोस्तों मान के चलो 2 टीमें खेल रही है तो पिच जो है दोस्तों टॉस के बाद ही जो होता है, जो एक्चुअल में पिच का बिहेवियर होता है वो टॉस के बाद आपको दिखता है। आप देखे होंगे पिच रिपोर्ट क्लियर कर देती है ये ग्राउंड किसको मदद करने वाली है। पिच रिपोर्ट में अगर बात करें दोस्तों, यहां पर बता देता है बैट्समैन को ज्यादा फेवर है,
पिच रिपोर्ट ये क्लियर कर देती है कि ये स्कोरिंग मैच होने वाला है या फिर आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा या फिर आपको बॉलर सेक्शन को ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पिच रिपोर्ट को जरूर देखेंगे अपने टीम बनाने से पहले। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, क्योंकि पिच के बारे में अगर आपको पता नहीं है और आप टीम लगा दे रहे हो तो वहां भी आप मेगा ग्रैंड लीग को टारगेट नहीं कर सकते हो। तो ये जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए, पिच रिपोर्ट। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्लेयर स्टेट। प्लेयर स्टेट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलो कि कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं टीम में जिनका रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा होता है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं दोस्तों कि रिसेंट फॉर्म अच्छा होता है लेकिन वो एक मैच में चलते हैं, दूसरे मैच में आउट हो जाते हैं, फिर तीसरे मैच में चलते हैं, फिर वो आउट हो जाते हैं चौथे मैच में। तो इस टाइप में से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्लेयर्स स्टेट में प्लेयर स्टेट्स की जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर प्लेयर स्टेट्स में करंट फॉर्म, जैसे मान के चलो विराट कोहली रोहित शर्मा इन दोनों की बात करते हैं तो 99% लोगों को यह पता है कि विराट कोहली का जो फॉर्म होता है वो काफी अच्छा होता है। जब भी वो मैच खेलते हैं तो एग्रेसिव पॉइंट से मैच खेलते हैं। और रोहित शर्मा की बात करें, यहां पर देखा कि अगर ये 5 मैच आपको खेलता हुआ दिख रहा है तो रोहित शर्मा 5 में से 1 या 2 मैच में ही परफॉर्मेंस कर पाते हैं। प्लेयर्स स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर दोनों प्लेयर्स का लेके चले हम लोग, तो विराट कोहली के बारे में 90% लोगों को पता है कि विराट कोहली का रिसेंट फॉर्म जो है काफी अच्छा होता है, ये जब भी टीम में खेलते हैं तो कुछ ना कुछ स्कोर करता है। लेकिन अगर रोहित शर्मा उसी जगह पे खेले तो रोहित शर्मा अगर 5 मैच खेल रहा है तो 5 मैच में से 2 मैच में वो जरूर फ्लॉप होता हुआ दिखता है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, फॉर्म में तो ये दोनों है, दोनों का फॉर्म अच्छा है रिसेंट फॉर्म, लेकिन ये आपको फ्लॉप करता हुआ कुछ मैच में दिखता है और ये आपको एवरेज स्कोर करता हुआ दिख जाता है हर एक मैच में। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका सेफ चॉइस प्लेयर्स हो गए और ये हो गए थोड़े रिस्की प्लेयर्स। आप क्या करोगे, रोहित शर्मा अगर 5 मैच खेल रहे हैं, 5 मैच में आप 2 मैच में ड्रॉप करके भी जा सकते हो। तो ये है दोस्तों रिस्की प्लेयर्स और ये आपके सेफ प्लेयर्स, आप इसे हर एक टीम में लेकर के जाते हो। तो कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं दोस्तों जिसे हम लोग ड्रॉप करके चलते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन काफी हाई होता है लेकिन उसे भी हम लोग क्या करते हैं अपने टीम में ड्रॉप करके चलते हैं मेगा ग्रैंड लीग जीतने के वजह से। अगर जीतना है आपको मेगा ग्रैंड लीग तो ये काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बात करें दोस्तों यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात करें, कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या होता है दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन हम लोग टीम में जब भी बनाते हैं तो हम लोग का क्या आदत हो गया है कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टनसी में ज्यादा होता है उसी के साथ हम लोग जाते हैं, उसी भीड़ में जाकर के चले जाते हैं और उसको मेगा ग्रैंड लीग हम लोग वहां से जीत नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो यहां पर विराट कोहली का अगर सीबीसी परसेंटेज 80 से 90 है और यहां पर अगर बाय चांस विराट कोहली आउट हो जाता है तो ये सारे जितने भी लोगों ने टीम बनाया है, तो विराट कोहली अगर आउट हो जाता है तो वहां पर सारे जितने भी टीम मेंबर है वो नीचे जाएंगे, उनका स्कोर उसका जो पॉइंट है दोस्तों काफी नीचे चला जाएगा। और यहां पर जैसे विराट कोहली को सीबीसी नहीं लिया है सीबीसी में जो नहीं रखा है उनका क्या होगा, मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रैंक काफी स्पीड आगे जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि सीबीसी हम उसी को बनाएंगे जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि रिस्की टीम होगी आपकी तभी आप मेगा ग्रैंड लीग विन कर पाओगे। क्योंकि अगर आप एक साथ चले गए तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन कितने लोगों का है, विराट कोहली को लेके कितने लोग गए, 80 से 90% लोग गए, तो वहां पर जीतने के चांसेस काफी कम है आपका। और यहां पर क्या है, अगर आप विराट कोहली को आप ड्रॉप कर दिए हो तो वहां पर जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन का। अब हम लोग जो बात करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में दोस्तों, एज ए एग्जाम्पल बताऊं,
रोहित शर्मा। सिलेक्शन परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है टीम बनाने में। क्या रोल है इनका सिलेक्शन परसेंटेज का? जैसे मान के चलो ये सब प्लेयर्स होते हैं आपके पिक वन प्लेयर्स होते हैं, यानी अगर देखा जाए मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे जो दोस्तों 80% से 90% लोग इसे लेकर के जाना पसंद करते हैं। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, केएल राहुल हो गया, शुभमन गिल हो गया, इन सब प्लेयर्स को क्या करता है लोग कि 80 से 90% लोग इसे लेके जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाए सबको पता है कि विराट कोहली का क्या है ना कि एवरेज जो स्कोर होता है हर एक मैच में इनका अच्छा खासा एवरेज स्कोर होता है। रोहित शर्मा भी मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, केएल राहुल भी अच्छा खेलते हैं, शुभमन गिल भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये हर एक मैच में अच्छा खेलता हुआ दिखता है आपको, हर एक मैच में आपको 100 करता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है कि हर एक मैच में आपको ऐसा पॉइंट देता है जो कि आप मेगा ग्रैंड लीग जीत जाओगे। लेकिन ये भीड़ क्या है दोस्तों, 80 से 90% जो सिलेक्शन परसेंटेज है उसके पीछे हम लोगों को नहीं चलना है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं दोस्तों टीम में जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% होता है, 30% होता है, 60% होता है मैक्सिमम, यहां से आप 40% भी ले सकते हो। इन सब प्लेयर्स को हम लोग को एडवांटेज ज्यादा देना है, क्योंकि ये सब प्लेयर्स क्या होंगे दोस्तों, अगर आप 30% वाले प्लेयर्स को लेके गए अपने टीम में, तो अगर वो प्लेयर्स चला तो आपकी टीम काफी स्पीड में बूस्ट करेगी, यानी आपकी रैंक जो है वो काफी स्पीड में बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन परसेंटेज का, और कैप्टन वाइस कैप्टन में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो परसेंटेज होता है उसे भी इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा सिलेक्शन परसेंटेज जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन पे। टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान के चलो यहां पर 2 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स। दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन में आप लोगों को दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर फॉर्मेट की बात करें, यहां पर T20 और यहां पर T10, मैं इन दोनों के लिए ही बात कर रहा हूं, T20 और T10 के मैचों के लिए। अगर आप T20 में टीम लगा रहे हो तो टीम कॉम्बिनेशन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीम का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों उसी पे आप मेगा ग्रैंड लीग जीतता हुआ दिखोगे। क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर आप T20 फॉर्मेट में टीम लगा रहे हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो टीम का कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको विकेट कीपर सेक्शन देखना है, बैट्समैन सेक्शन देखना है, फिर ऑलराउंडर सेक्शन देखना है और बॉलर सेक्शन देखना है। अगर इन चारों में, इन पांचों में अगर बात करें हम लोग, इन चारों सेक्शन में अगर बात करें, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। ये T20 फॉर्मेट के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों टीम लगाने से पहले, क्योंकि ऐसे ऑलराउंडर्स होते हैं टीम में T20 फॉर्मेट में जो अपने स्पेल के कंप्लीट ओवर्स भी करते हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने आता है। तो वैसे ऑलराउंडर्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो अपने स्पेल के कंप्लीट 4 ओवर्स भी करते हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं। तो यानी देखा जाए तो टीम कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन को ज्यादा रखेंगे, फिर बैट्समैन सेक्शन को रखेंगे, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद विकेट कीपर सेक्शन में ऐसे प्लेयर्स को रखो जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, उसके बाद बॉलर सेक्शन हम लोग देखेंगे। और T10 की अगर बात करें दोस्तों, T10 में क्या होता है, T10 में आपको विकेट कीपर सेक्शन लेके चलना है, मैक्सिमम बैट्समैन सेक्शन ही लेकर के चलना होता है, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन, उसके बाद बॉलर सेक्शन। T20 फॉर्मेट में क्या होता है कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ओवर्स कम होते हैं, 10 ओवर के मैच होते हैं, तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर टिक जाते हैं तो कंप्लीट 10 ओवर्स वो अकेले ही खेल जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से को ही लेकर के चलना होता है T10 के मैचों में। तो ये था दोस्तों हमारा टीम का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर फॉर्मेट। फॉर्मेट मैंने बता दिया है पहले ही कि क्या फॉर्मेट है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ODI मैच है उनका अलग कॉन्सेप्ट होता है, टेस्ट मैच है उनका कॉन्सेप्ट अलग है, T20 फॉर्मेट है ऑलराउंडर सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना है। अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो दोस्तों उसमें आपको बॉलर को एडवांटेज ज्यादा देना है। और यहां पर क्या करना है, जैसे मैं मान के चलो यहां पर टेस्ट मैच की बात करूं,
टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में क्या होता है दोस्तों, विकेट कीपर सेक्शन लेके गए हम लोग, बैट्समैन सेक्शन तीन लेके गए, चार लेके गए और तीन बॉलर्स। विकेट कीपर सेक्शन लेके गए हम लोग एक, यहां पर तीन लेके बैट्समैन, बैट्समैन भी आप लोगों को ऐसे बैट्समैन लेके जाना है टेस्ट मैच में जो एग्रेसिव के तौर पे नहीं खेले, डिफेंस करके खेले मैच को, लंबा पारी जो खेले वैसे बैट्समैन को आप लोगों को टीम में लेके जाना है। और ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें यहां पर, तो ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे मान के चलो रविंद्र जडेजा है, आपको पता है कि वो काफी ज्यादा ओवर्स करते हैं, उनको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होता है, तो ऐसे ऑलराउंडर्स को लेकेंगे जैसे रविंद्र जडेजा है। तो रविंद्र जडेजा क्या करता है कि बैटिंग भी अच्छा कर लेता है और बॉलिंग भी काफी अच्छा कर लेता है, तो हम लोग उसी एग्जाम्पल को देखते हुए टीम में उसी टाइप्स के प्लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। और बॉलर सेक्शन में दोस्तों जो बॉलर्स आपको कंटिन्यू बॉलिंग्स करता हुआ दिखेगा, जिनके पास स्विंग है, वैसे बॉलर्स को हम लोग अपने टीम के कॉम्बिनेशन में रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिस्की प्लेयर्स क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिस्की प्लेयर्स क्या होता है दोस्तों, टीम में आप देखे होंगे कि जितने भी लोग मेगा ग्रैंड लीग को विन किए हैं अभी तक, जितना भी एनालिसिस मैं किया हूं, आप उसका टीम जब उठा के देखोगे मेगा ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन को, तो आपको 11 प्लेयर्स में से एक या दो प्लेयर्स आपको ऐसा हमेशा मिल जाएगा जिसको कोई सोचा ही नहीं होगा कि इस प्लेयर्स को लेकर हमें अपने टीम में जाना है। मैंने खुद देखा है कि अगर आप एक रैंक वाले टीम को उठा के देखोगे तो कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको दिखेंगे जिनके बारे में हम लोगों ने स्टेट्स भी नहीं पढ़ा है, सोचा भी नहीं है, वैसे प्लेयर्स को वो टीम में लेकर के गए हैं और उनको ड्रीम टीम का मेंबर बनता हुआ दिखेंगे आप, और वो मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मान के चलो यहां पर सरफराज खान, ये प्लेयर्स अभी दोस्तों न्यू है, पता है हम लोगों को सरफराज खान का अभी स्टेट्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा मैचेस इन्होंने खेला नहीं है, तो अभी टीम में क्या होगा अगर मान के चलो इंटरनेशनल मैच हो रही है T20 फॉर्मेट का, तो सरफराज खान का सिलेक्शन थोड़ा सा अभी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इनका स्टेट्स ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। लेकिन यही प्लेयर्स होता है दोस्तों रिस्की प्लेयर्स, अगर ये चल गया, अगर ये मान के चलो 50 से 60 रन कर दिए, तो ये क्या करेंगे, इनका सिलेक्शन काफी कम होगा, इनको इनके बारे में लोगों का स्टेट पता नहीं होगा लोगों को, तो ये क्या करेंगे अगर 60 रन 50 रन मार के चले गए, इनका सिलेक्शन काफी कम है यानी इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो यही प्लेयर्स क्या करेंगे मेगा ग्रैंड लीग में बूस्ट करा देंगे डायरेक्ट, और वहां मेगा ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ऐसे भी 11 प्लेयर्स में ऐसे 2 से 4 प्लेयर्स होते हैं जो ऐसे प्लेयर्स आपको टीम में हमेशा दिखेंगे कि वो छुपे हुए होते हैं, जैसे मान के चलो कुछ प्लेयर्स का नाम बता रहे, जैसे मान के चलो रिंकू सिंह, रिंकू सिंह क्या होता है दोस्तों काफी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इनका क्या होता है बैटिंग ऑर्डर्स का कोई पोजीशन फिक्स नहीं अभी तक हुआ है, तो रिंकू सिंह को क्या करते हैं बहुत लोग लेना पसंद नहीं करते अपने टीम में, लेकिन रिंकू सिंह को हम लोगों ने भी जब मैच लगाया तो रिंकू सिंह को बहुत सारे मैच में ड्रॉप कर दिया, वो मैच हम लोगों ने हार गया। क्यों हार गया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इनका बैटिंग ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है, ऊपर कभी भेजा जाता है, कभी इन्हें भेजा भी नहीं जाता है, कभी ओवर से खत्म हो जाते हैं, तो यही सब प्लेयर्स होते हैं जो रिस्की प्लेयर्स होते हैं, इसे हम अपने टीम में लेकर के चलेंगे मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि सबको पता है जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं लोग टीम लगाने से पहले, रिंकू सिंह के बारे में पता है कि पोजीशन फिक्स नहीं होता है, कभी इन्हें बैटिंग भी नहीं मिलता है, ओवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, कभी बैटिंग मिलता है तो 1 से 2 ओवर्स मिलते हैं, और कभी क्या होता है दोस्तों अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है तो इनका बैटिंग काफी ऊपर आ जाता है और ये अच्छा स्कोर कर सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी देखे होंगे कि काफी बड़ा स्कोर कर देते हैं, कभी 60 रन बनाते हुए देखेंगे, कभी 50 रन, अगर ये 60 और 50 रन बना दिए ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग इसे मिल गया, पहले अगर कोलैप्स कर गया टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और इन्हें मौका मिल गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेगा जीएल जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही होता है दोस्तों जो होता है रिस्की प्लेयर्स।
छुपे होते हैं टीमों में, इसे लेके जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों ये 10 रूल्स जो है आपको पता होना चाहिए मेगा ग्रैंड लीग अगर आप जीतना चाहते हो, आपका अगर टारगेट है मेगा ग्रैंड लीग जीतने का तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारी हर एक मैच में जैसे वुमेन्स आईपीएल का जो मैच हो रहा है दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो चल रहा है उसमें हमें सारी टीमों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारी टीम दे रहा हूँ और अच्छी खासी विन कर रही है टीम, तो जितने भी मैचेस है दोस्तों सारे कवर करने वाला हूँ, आप वीडियो को देख लें। और हमारी जो फाइनल टीम होती है दोस्तों वो टेलीग्राम पे देते हैं हम लोग फाइनल टीम, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लो।